नमस्कार, संसार क्रांति की टीम इसमें जींद में मौजूद है। और जैसा कि सभी को पता कि बीजेपी के अंदर और जेजेपी के अंदर जो उठापटक चली है टिकट को लेकर के, और ऐसे में जो गांव का भी सर्वे किया है, सब जानते ही हैं एक बार, क्योंकि शख्सियत जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, जगदीप शर्मा जी। धन्यवाद, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जगदीप जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि आपने काफी गाँव में भी सर्वे किया, जैसे बीजेपी को लेकर के और जेजेपी को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के, इनेलो को लेकर के, क्या राय निकल रही है जनता की? ऐसा जी, देखो जब हम आज देखो जाट धर्मशाला में आ रहे हैं, यहाँ पे सभी जेजेपी के समर्थक हैं। अब मैं किसी और पार्टी का नाम लूंगा तो शायद अरे धूल उठती दिखेगी मेरे को। लेकिन सच्चाई ये है कि कंपटीशन बड़ा टफ है। बिल्कुल, बीजेपी अपने समीकरण बनाए बैठी है, दुष्यंत जी अपने समीकरण बनाए बैठे हैं। बिल्कुल, आज मैंने राजकुमार सैनी की रैली देखी, 2.5 किलोमीटर लंबी थी। बिल्कुल, वो अपनी तगड़ी समीकरण में है। अच्छा, कांग्रेस एक जबरदस्त लेवल पे एंट्री मारेगी, लोगों के समझ में भी नहीं आएगा कि कहीं ना कहीं कभी कांग्रेस की तरफ से कौन सा प्रत्याशी लग रहा है। कांग्रेस जेपी का छोरा बतावा जी, है ना, और जेपी एक बड़ा क्रिटिकल माइंड है, श्रूड माइंड आदमी है वो, इतना हड़वा नहीं है जितना कोई आदमी उसको आके, है ना। तो कहीं ना कहीं एक टफ कंपटीशन में है, और जब वो सर्वे पे निकलेंगे, अभी तक बीजेपी ने कोई सर्वे नहीं किया। टक्कर कौन कौन सी पार्टी के लग रही है आपको? सबका ही कंपटीशन है, बड़ा टफ कंपटीशन है। सीरियसली अगर हम यूं सोचे ना कि बीजेपी और दुष्यंत का कंपटीशन है, नहीं, कंपटीशन कांग्रेस और ये क्या नाम है, राजकुमार जी हैं और दुष्यंत जी हैं और बीजेपी है, अभी तक बड़े जबरदस्त लेवल पे चल रहे हैं। आधे से ज्यादा एरिया तो विनोद आश्री जी कर गए, है ना। अभी जैसे मैं अब जाट धर्मशाला था, कोने कोने से हरियाणा के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये अपने अलग हाई लेवल पे समीकरण है। बीजेपी ने अभी कंपेनिंग शुरू नहीं की, लेकिन जब वो कंपेनिंग पे उतरेगी तो एक टेढ़ा दिमाग है वहाँ पे भी। जैसे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, जैसे विनोद आश्री सबसे पहले चुनाव मैदान में उतरे हैं, हाँ जी, तो इसका फायदा तो इसको मिलेगा, क्योंकि जेजेपी ने बीजेपी ने अभी तक नहीं उतारा। जैसे देखो, आधे से ज्यादा जींद का सर्वे कंपेनिंग वो कर चुके हैं, उनके पास स्पेसिफिक वोट परसेंटेज है, वो अभी तक सभी पार्टियों से ज्यादा बढ़ रही है उनकी, है ना। आपके आंकड़े क्या बता रहे हैं जनता को लेकर के? ना जी, जाट धर्मशाला में खड़े होकर मैं आंकड़े को बता दूंगा। तो बड़ा टेढ़ी खोपड़ी है हर दिमाग, हर आदमी के पास। अजय, अभी अजय जी बैठे हैं जी। ये बड़े तेज दिमाग के हैं, बड़े पोलाइट बंदे हैं। तेज दिमाग और पोलाइट सेंस बड़ी खतरनाक होती है। दुष्यंत जी हैं, दिग्विजय जी हैं, बड़े कूल माइंडेड और बड़े धोनी की तरह चलते हैं वो। बिल्कुल, महेंद्र सिंह धोनी की तरह। बिल्कुल, हाँ जी। तो ये जगदीप शर्मा जी जो जींद को लेकर के काफी पॉपुलर हो रहे हैं आज सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, तो ऐसे में ही अभी तो जाट धर्मशाला में खड़े हैं, एक बार दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि अजय चौटाला जो यहाँ आए हुए हैं, और लगभग कल सुबह तक जो टिकट की जो फाइनल बात है वो कल सुबह तक करके कह रहे थे अजय चौटाला जी, कल तक देंगे जींद में जो टिकट प्रत्याशी को उतारेंगे जेजेपी को लेकर के। तो बाकी के जो आंकड़े हैं वो जाट धर्मशाला से बाहर निकल करके ही जानेंगे। नहीं देखो, जो सच्चाई थी पता नहीं क्या बात है, जेजेपी के समर्थक है, जो सच्चाई थी यार इनसे डर लग रहा है, क्या बात है, क्यों बता रहे आप सर? जो सच्चाई थी वो मैंने बता दी। अभी से अलग आंकड़े होंगे क्या, एक जब स्पेशल सबकी टिकट फाइनल हो जाएगी ना, थोड़ा सा लोगों का मन बनेगा, टिकट फाइनल होने के 10 दिन के बाद हम हल्का सा ये गैस कर पाएंगे कौन सी पार्टी की जनता की। अभी तक ये भी जैसे राय निकल कर कहते हैं कि टिकट फाइनल होने के बाद ही हम बताएंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं भाई उसको टिकट मिलेगी तो हम उस पार्टी तो नहीं देवांगे, दूसरी में जावांगे, तो ये भी अभी ऑप्शन है। विधानसभा का इलेक्शन है तो लोग जो टिकटधारी हैं उनको प्रेफर करेंगे बेटर देन किसी पार्टी को। जी बिल्कुल। तो जगदीप शर्मा जी ने बताया कि अब जब तक टिकट नहीं मिलेगी तब तक हम सर्वे का भी आकलन जो कहते हैं ना कि सूत्र और सर्वे, तो वो नहीं लगा सकते, क्योंकि समीकरण आप कुछ बनाएंगे लेकिन टिकट मिलने के बाद कहीं ना कहीं समीकरण के अंदर चेंजिंग आएंगी। बिल्कुल ऐसा ही जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम जानकारियों के लिए संसार क्रांति के साथ जुड़े रहिए, तब तक संसार क्रांति के लिए जींद से मैं अजय भारद्वाज।